बेसिकली यहीं पे ए, करके इंजीनियरिंग करके वापड़ा जॉइन कर लिया था तो मैंने तीन साल वापड़ा वा में रहा तो अभी जॉब कर ही रहा था मेरी सिलेक्शन वहाँ होगी फिर उसके बाद ये फोर्टी थ्री ईयर वहीं पे हैं तो हमारी जो एम्बेसीज हैं ना मैं माजरत के साथ जो रोल उनको करना चाहिए वो नहीं करती मतलब मैं तो जद्दा में रहा हूँ तो जद्दा में अम्बैसी बहुत बड़ी अम्बैसी है बड़ी पॉपुलर अम्बैसी है हज का मौसम आता है सारे वहाँ पर इस्लामाबाद आ जाता है लेकिन बात यह है कि बजाय बड़ी छोटी छोटी भी हैं मैं सऊदी अरब में घूमा हूँ तो वहाँ पर दूर पहाड़ों में पाकिस्तानी रह रहे हैं अब उनको कौन देखता है यकीन करें जब उनको पासपोर्ट रिन्यूअल जो कि ज़रूरी है वो कराना पड़ता है वो इतने खुआार होते हैं फिर वो जब जद्दा जैसे शहर में आए खैर इन्होंने कोशिश की कि इन्होंने एक ऑफिस बना लिया कुछ दिन इधर कुछ दिन इधर मक्का मदीना में एक बना लिया साइड ऑफिस मतलब एम्बेसी ने काफ़ी इम्प्रूवमेंट तो लाई हैं मेरे देखते देखते लेकिन इन हैं इनकी पी टी आई गवर्नमेंट की बात करूँ तो ये मैंने इनको हमदर्द पाया फॉर ओवरसीज़ और इनको एहसास है कि फॉरेन करेंसी कैसे आ रही है और इसका वो एहसास करते हैं लेकिन ऐसा सच कोई चीज़ अप नहीं कर सके वो जो कि करनी चाहिए मसल कोई भी कोई कर सकते हैं कि भई आप इस तरह की स्कीम बनाए तो उसमें आपको प्रेफरेंस मिलेगी मैं मैं ही इसको बता इस इसी फॉरम पे मैं बता देता हूँ इस्लामाबाद है इस्लामाबाद देखिए कितनी खुली जगह है और सारी गवर्नमेंट की है अगर वहाँ पे ये ओवरसीज़ वालों के किया था जी ओवरसीज़ अभी भी आप जाएंगे सेक्टर नजर आएगा लेकिन वहाँ ओवरसीज़ को कैसे मिलेगी वो कहें अप्लाई कर दें फिर वो बैलेटिंग होगी फिर मैंने भी अप्लाई किया था तो मेरा बैलेटिंग में नहीं निकला जिनका निकलना है वो निकल जाता है करना ये चाहिए कि जो जो लोग रेमिटेंस कर रहे हैं रेमिटेंस के ऊपर कोई कंडीशन लगा दें कि आप इतना रिमिट करेंगे पर ईयर तो आपको पाँच मरल का एक मरल का दो मरले का प्लाट इस्लामाबाद में फलानी जगह पे अच्छी जगह में लाहौर में मिल जाएगा आपको गवर्नमेंट के लिए क्या चीज़ मुश्किल है उससे क्या होगा कि लोगों में इंसेंटिव आएगा और बात तो ये है कि हमें ज़रूरत है इस पैसे की